हेलो फ्रेंड्स, दुनिया किस तरीके से कोरोना वायरस से जूझ रही है, लड़ रही है, ये आप सभी को पता ही है। चाइना से निकला हुआ ये वायरस अब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस वायरस से चाइना में, अगर अकेले चाइना की ही बात करें तो चाइना में ही करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की अभी मौत हो चुकी है और करीब 25000 से ज़्यादा लोगों इन्फेक्टेड है इस वायरस से। और ये वायरस अब चाइना से निकल के दुनिया के बाकी 68 देशों तक पहुँच चुका है और WHO के हिसाब से भी अब ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरी दुनिया के सामने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस से किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स को इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, ताकि ये कोरोना वायरस आपकी फैमिली को बिल्कुल भी इन्फेक्टेड ना कर पाए, आपके सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोरोना वायरस के ऊपर पक्का और 110% जीत पालोगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से इस वायरस से आप जीत सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस कि जो पहचान आप कैसे कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक बैक्टीरिया के फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कर पाया जाता है। एनिमल्स के थ्रू ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब आपको बता दूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इस वायरस की वजह से आपको जो शुरुआती जो इसके लक्षण होते हैं, इसमें आपको खांसी, जुकाम, आपको सर में दर्द, पेट में दर्द होगा, चेस्ट में पेन होगा और सांस लेने में दिक्कत होगी और फीवर, बिल्कुल जैसे आपको नॉर्मल कोल्ड या फिर कभी ऐसा कोल्ड वोल्ड हो जाता है तो उसमें जैसे फीवर होता है, बिल्कुल वैसा सेम फीवर इस कोरोना वायरस की वजह से भी आपकी बॉडी में आपको फील होगा। और आप ये गलती से भी मत सोचिए कि ये जो फीवर है ये आपका बिल्कुल नॉर्मल जो फीवर आता है कोल्ड वोल्ड के टाइम पे वैसा फीवर है, नहीं, ये कोरोना वायरस की वजह से आया हुआ फीवर है। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से ये वायरस आगे की स्टेज ले लेता है जो निमोनिया के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद लगातार ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा बन जाता है। अब इससे बचने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। इससे बचने का काफ़ी ईजी वे है जो आप डेली लाइफ में आप करते ही करते हैं। बस अब आपको सावधानी इतनी रखनी है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आपको उस तरीके से वो चीज़ें करनी है। ये काम आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही करते हैं, जैसे कि हैंड वॉश। हैंड वॉश हर कोई करता है अपनी रोज़ डेली लाइफ में, हैंड वॉश हर कोई करता है, पर अब आपको जो हैंड वॉश करने हैं वो इस तरीके से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक रनिंग टैप के नीचे अपने हाथ रख देने हैं। अगर आपको दिख रहे हैं कि आपके हाथ गंदे हैं तो उस रनिंग वाटर में आप अपने हाथ धो लीजिए। पर बैक्टीरिया एक ऐसी फॉर्म होती है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकती है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको देखने में लगेगा कि आपके हाथ साफ है, पर यहीं सबसे ज़्यादा लोग अपनी गलतियां करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया आपके हाथों में नहीं दिखेंगे। तब आपको में क्या करना है, रनिंग वाटर के नीचे अपना हाथ रखना है, सोप या फिर कोई भी आप कह सकते हैं जो साबुन है वो आपको लेना है, फिर अपने हाथों को अच्छे से 2 मिनट तक पूरी तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद अब कई तरीके के लोग होते हैं जो कई बाहर होते हैं तो वो ये नहीं कर पाते, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो अब आप हमेशा अपनी पॉकेट में, पर्स में रखिए, वो है सैनिटाइज़र। अब आपको मैं बता दूँ ये सैनिटाइज़र क्या चीज़ है। सैनिटाइज़र एक अल्कोहल बेस्ड रब है। जी हाँ, अल्कोहल एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा आप कह सकते हैं लिक्विड है, जिसकी वजह से आपको पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, अल्कोहल किसी भी बैक्टीरिया को आसानी से ख़त्म कर सकता है और यही फॉर्मूला सैनिटाइज़र में यूज़ होता है। और इस सैनिटाइज़र की मदद से आप ज़रूर अपने हाथ के 99.9% जो बैक्टीरियाज है उसे ख़त्म कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट वे है इस वायरस से बचने का, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो हम अपनी ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही वो आप बैक्टीरियाज देख सकते हैं। अब इस सैनिटाइज़र को यूज़ कैसे करें और किस तरीके से इस सैनिटाइज़र को अपने हाथों पे अप्लाई करें, अब आप इसे समझ लीजिए।
देखिए, सबसे पहले आपको सैनिटाइजर अपने हाथों में डालना है, 2 ड्रॉप्स या फिर 3 ड्रॉप्स। उसके बाद आपको अपने हाथ को रब करना है। पहले आप अपने हाथ धीरे धीरे रब कीजिए, उसके बाद दोनों फिंगर्स को आपस में मिला के अपने फिंगर्स को रब कीजिए। इसके बाद अब बैक साइड पे एक हाथ कर दीजिए, बैक साइड पे दूसरा हाथ उसके ऊपर रब कीजिए। इसके बाद जब एक हाथ रब हो जाए तो दूसरे हाथ को बैक साइड में करके दूसरे हाथ से उसे अच्छी तरीके से साफ कीजिए। फिर अपने हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चलाए कि बैक साइड और जो थंब है इसका जो ये पार्ट होता है, इस साइड भी आपके हाथ अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद अब बचेंगे आपके थंब, तो आपको थंब के लिए सिर्फ आपको एक हाथ से थंब को ऐसे पकड़ना है और सिर्फ इस तरीके से अपनी हाथों की मूवमेंट करनी है। अब यही चीज दूसरे थंब के साथ भी आपको करनी है। अब इसके बाद जब आप सैनिटाइजर यूज कर ले तो आप अपना खाना खा सकते हैं बिना किसी कोरोना वायरस के डर से। तो दोस्तों, ये था पूरा कोरोना वायरस से बचने का और सैनिटाइजर का यूज करने का पूरा वीडियो। इस वीडियो को आप जितना से ज्यादा शेयर करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड इस कोरोना वायरस से बचे रहेंगे और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। और हम भी आपसे यही प्रे करेंगे कि यह कोरोना वायरस पूरी दुनिया से जल्द चला जाए। इस वीडियो में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स और जिससे भी आप लव वंस हैं, आप उन सबको इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। अब आपका सिर्फ एक काम रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा काम आपके पास है जिसकी मदद से आप इन सब लोगों को सेव कर सकते हैं इस कोरोना वायरस को। आपको सिर्फ हमारी इस वीडियो को सिर्फ शेयर करना है। आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप कहीं पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके जो लव वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए और उन सबको इस कोरोना वायरस से बचाइए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।